हेलो गाइस, हियर आई एम जामात उस्तार, एडवोकेट हाई कोर्ट लॉ ट्यूटर एंड लीगल कंसल्टेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस क्रिमिनल ट्रायल। हम ट्रायल पे बात कर रहे थे, मैंने पहले भी, ये दरअसल एक सीरीज़ है जिसमें पहले फर्स्ट वीडियो में हमने प्री ट्रायल स्टेज पे बात की, उसके बाद हमने चार स्टेज पे बात की और आज हम बात करने वाले हैं ट्रायल के बारे में। तो बेसिकली हम सेशन ट्रायल पढ़ेंगे, सेक्शन 265 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 265, और साथ ही साथ हम उसको कंपेयर करते चलेंगे मैजिस्ट्रेटल ट्रायल से जो 241 से लेकर 249 तक चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 265 से। सेक्शन 265 CRPC में बेसिकली ट्रायल को बताया गया है, ट्रायल इन कोर्ट ऑफ सेशन एंड ट्रायल इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकती है अगर वो किसी केस का ट्रायल करना चाहें तो। बेसिकली ट्रायल कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट ही होती है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका ट्रायल मैजिस्ट्रेटल कोर्ट में चलता है। तो ये आगे ए से लेकर एन तक चलेगा, जिसमें ट्रायल को बेसिकली उसका प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से हमने लेकर चलना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं 265A पे। 265A क्या कहता है कि ट्रायल व्हेन अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, ट्रायल प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि हम आम अल्फाज में कह लें, जो सेशन कोर्ट में मोस्टली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जिनको हम ADPP DDPP भी कहते हैं, आम अल्फाज में सरकारी वकील, जब भी स्टेट केस होगा तो सरकारी वकील वहाँ पे जो है वो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा। अच्छा, ये कब है प्रोसिक्यूटर? अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, जब पुलिस रिपोर्ट पे, यानी कि स्टेट केस में जब पुलिस रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC, जिसको हम आम अल्फाज में चालान भी कहते हैं, जब चालान आएगा और प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो वो प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपने जो नोट करनी है, वर्ड है शल, प्रोसिक्यूशन शल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि प्रोसिक्यूटर ने ही करना है केसेस अपॉन आप पुलिस रिपोर्ट। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम कोर्ट में मौजूद हों, या आप देखेंगे जब भी आप कोर्ट में मौजूद होंगे, तो जब भी कोई प्राइवेट कंप्लेंट कॉल होगी तो प्रोसिक्यूटर साहब रोस्टरम छोड़कर पीछे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे या अपनी रूम में जाके बैठ जाएंगे। तो ये वो चीज़ है कि इन ऑन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, कि जब भी पुलिस रिपोर्ट पे चालान केस में प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है, प्राइवेट कंप्लेंट में प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी नहीं है। इसी तरह अब हम चलते हैं 265B की तरफ। बी में बता दिया कि प्रोसीजर जो ट्रायल कोर्ट का सेशन कोर्ट हो गई जो हाई कोर्ट ने, फॉलोइंग प्रोसीजर जो यानी बी से आगे प्रोविजंस हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ट्रायल कोर्ट्स ने अपना ट्रायल करना है। इसमें बता दिया प्रोसीजर इन केस ऑफ ट्रायल, सेशन ट्रायल, हाई कोर्ट ट्रायल, जो अगले प्रोविजंस हैं उनमें प्रोवाइड कर दिया गया। अब 265C, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल शुरू कब होगा मैं आपको वो जो है ना वो पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट से बेसिकली चार जब फ्रेम होता है ट्रायल तब शुरू होता है। 265C में कॉपीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो क्योंकि मैजिस्ट्रेटल ट्रायल में प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते, ये प्रोविजंस उसमें अवेलेबल नहीं है, ना ए वाली ना बी वाली। उधर सप्लाई ऑफ कॉपीज़ के बारे में है 241 में, तो सप्लाई ऑफ कॉपीज़ में 265C के अगर हम 1 में देखें तो ये बात करता है पुलिस रिपोर्ट। यानी कि रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC 173 की रिपोर्ट, जिसको हम आम अल्फाज में चलान कहते हैं। 265C क्या कहता है, कॉपीज हमने प्रोवाइड करनी है टू द एक्यूज्ड नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, के ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले उसको कॉपीज प्रोवाइड कर देनी है। अब किस किस चीज़ की कॉपीज प्रोवाइड करनी है ये भी मैं आपको बता दूँ। पुलिस रिपोर्ट में 265C के 1 में प्रोवाइडेड है FIR, हमने उसको प्रोवाइड करनी है। ये 173 की रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, पुलिस रिपोर्ट जिसको हम अल्फाज में कहते हैं। इसी तरह
161 के बयान अगर गवाहों के हुए वो 164 का स्टेटमेंट है, अगर विक्टिम का स्टेटमेंट है तो वो, और लास्टली क्या है जी, फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट। तो 65(1) के 4 में प्रोवाइडेड है, जब भी कोई तफ्तीशी यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुलाहिजा मौका करने जाता है यानी कि प्लेस ऑफ अक्रेंस पे फर्स्ट टाइम जाता है तो वो अपनी फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट बनाता है। जाए वारदात पे जब वो जाता है तो वो अपनी फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट बनाता है, जिसको हम आम अल्फाज में मुलाहिजा मौका, अगर आप पुलिस डायरीज देखेंगे तो उसमें मुलाहिजा मौका उसने लिखा होता है कि मैंने मुलाहिजा किया। उसके बाद फॉर्म बे होता है जिसपे ये चीज़ प्रोवाइडेड होती है, फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट, और इसके साथ ही नोट ऑन रिकवरी। अगर तफ्तीशी ने जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है वहाँ से कोई एविडेंस इकट्ठी की है, सपोज अगर फायरिंग हुई थी तो वहाँ पे उसको क्राइम एम्पटीज मिलेंगे, हॉल मिलेंगे, चलीदा हॉल, तो वो उठाता है, कुछ सिगरेट वहाँ पे पड़ी होती है वो उठाता है और उसको लगता है कि शायद ये मुलजम ने पी के यहाँ पे फेंकी है, उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। इस जब भी उसने कोई चीज़ रिकवर करनी है ना तो वहाँ पे उसने रिकवरी नोट बनाना है, जिसको हम आम अल्फाज में फ़र्द कहते हैं, फ़र्द मकबूजगी, ये फलानी चीज़ मैंने कब्ज़े में ले ली है, मैं इसकी फ़र्द बना रहा हूँ जिस पर मैं दो विटनेसेस के सिग्नेचर ले रहा हूँ। रिकवरी मेमो भी कहते हैं, फ़र्द मकबूजगी भी कहते हैं, नोट ऑफ रिकवरी भी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है पुलिस रिपोर्ट में। अब दूसरी बात आ गई कंप्लेंट, 265(c)(1) में पुलिस रिपोर्ट है, 2 में कंप्लेंट की बात करते हैं हम, यानी प्राइवेट कंप्लेंट। अच्छा, इधर जाके हमारे कानून ने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कंप्लेंट को, कि जब आपने कंप्लेंट करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन। के मुदई ने, जो कंप्लेनेंट है, उसने अपना पहले तो पूरा अपना वकुआ उसमें डिफाइन कर देना है, जिसको यहाँ पे कानून में कहा गया है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, और साथ ही उसने जिस्ट ऑफ एविडेंस, जिसको जिस्ट ऑफ एविडेंस भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये कि जिस्ट और लिस्ट में, जिस्ट और गिस्ट में क्या फ़र्क है। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 जब पुलिस ने देनी है, अगर आपने कभी देखा हो चालान, तो चालान के साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस अटैच्ड होती है। इसी तरह प्राइवेट कंप्लेंट में जो एविडेंस की लिस्ट दी जाएगी उसको गिस्ट कहा जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट है इसमें, गिस्ट में और लिस्ट में। और इसके साथ ही इसमें प्रोवाइड कर दिया गया नंबर 2 में 3 days आफ्टर समनिंग। जब भी प्राइवेट कंप्लेंट इंस्टीट्यूट की जाती है उसमें पहले प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स होते हैं, कोर्ट आर्गूमेंट्स सुन के फैसला करती है कि मैंने मुलजमान को तलब करना है या नहीं। जब मुलजमान तलब हो गए, कंप्लेंट किस सेक्शन के तहत होती है, 200 के तहत CRPC, मुलजमान समन किस सेक्शन के तहत होने हैं, 204 के तहत समनिंग ऑफ एक्यूज। जब इशू प्रोसेस इशू हो जाए, समन हो जाए एक्यूज 204 के तहत, तो विद इन 3 days कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट की, गिस्ट ऑफ विटनेसेस की और साथ जो भी एविडेंस लगाई है उसकी अटेस्टेड कॉपीज कोर्ट में देनी है विद इन थ्री डेज कंप्लेनेंट ने प्रोवाइड करनी है अपनी जो उसकी कंप्लेंट है और उसके साथ जो भी एविडेंस उसने अटैच की है, नथी की है, उसकी उसने कॉपीज देनी है अदालत में विद इन 3 days। और कितनी कॉपीज देनी है, जितने मुलजमान हैं उतनी कॉपीज जो है वो कंप्लेनेंट ने प्रोवाइड करनी है कोर्ट को, ताकि जब मुलजमान तलब होकर अदालत आएंगे तो उनको सप्लाई किए जाएं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो 265(c) में आपको मैं बताता चलूँ, कोर्ट तब तक डॉक्यूमेंट्स सप्लाई नहीं करती जब तक सारे मुलजमान अदालत में हाजिर नहीं आ जाते। सपोज 10 मुलजम हैं तो 10 के 10 जब तक नहीं आएंगे तब तक सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता। आगे आ जाते हैं हम 265(d) में। डी क्या है,
व्हेन चार्ज टू बी फ्रेम्ड। अच्छा, अगर हम जब बात करें मैजिस्ट्रियल ट्रायल की, तो उसमें लिखा हुआ है चार्ज टू बी फ्रेम, सिंपल वर्डिंग है, चार्ज व्हेन अक्यूज्ड इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट और अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, चार्ज टू बी फ्रेम, चार्ज शैल बी फ्रेम, उस पर चार्ज हमने फ्रेम कर देना है। लेकिन 265D जो कि सेशन ट्रायल की प्रोविजंस हैं, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया कि चार्ज कब फ्रेम करना है। इसमें हमें बता दिया गया कि कोर्ट ने एनालाइज करना है रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, 161 की रिपोर्ट, 164 और इसके अलावा जो भी एविडेंस है, अगर कोर्ट उसको मद्देनजर रखते हुए ये सोचती है कि अक्यूज्ड के खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता, तो यहीं पे ही कोर्ट उसको 265D में ही एक्विट कर देगी। तो अगर 265D में ही कोर्ट देख लेती है कि अक्यूज के खिलाफ चार्ज नहीं बनता, तो उसको वो एक्विट कर देगी वहीं पे ही। लेकिन अगर कोर्ट देखती है कि उसके खिलाफ चार्ज बनता है, तो कोर्ट उस पर रिटर्न में उसके खिलाफ चार्ज लगाएगी डिफरेंट हेड्स में। एक ही चार्ज शीट होगी लेकिन हेड्स डिफरेंट हो सकते हैं। उसके अलावा ये हो गया चार्ज का, व्हेन चार्ज टू बी फ्रेम्ड। और ये व्हेन कवर्ड मैजिस्ट्रियल ट्रायल में नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब 265E में प्ली, अगर तो एक्यूज्ड को प्ली लेता है तो डिफेंस यहीं पे ही वो बता देगा कि हाँ जी ये प्ली है मेरी। लेकिन अगर वो कह देता है कि आई प्लीड गिल्टी, कि मैंने किया है, वो अपना जो है वो कन्फेशन कर लेता है, तो यहीं पे ही कोर्ट उसको जो है वो कन्विक्ट कर सकती है या उसका फर्दर ट्रायल के लिए कह सकती है। लेकिन अगर वो कहता है आई प्लीड नॉट गिल्टी, कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं ट्रायल चाहता हूँ, तो कोर्ट ने फिर ट्रायल स्टार्ट कर देना है। और एफ में, इसमें जो है वो एविडेंस वगैरह होती है सारी, कि पहले प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहान के चीफ करवाने हैं, फिर अक्यूज़ ने उस पर जिरा करनी है। अब इसी में अगर एफ़ में फोर में देखें, तो एंड पे अक्यूज़ से पूछा जाता है सवालनामा 342 का, सेक्शन 342 के तहत कोर्ट अक्यूज़ से सवाल जवाब करती है सॉरी एविडेंस के मुताबिक, कि आपने ये वकुआ किया, फलां को ज़ख्मी किया, आपके खिलाफ ये रिकवरीज़ हैं, मेडिकल है, जो भी एविडेंस है, तमाम के सवालात पूछे जाते हैं अक्यूज़ से। और उसमें उससे पूछा जाता है कि क्या आप खुद ऑन ओथ आना चाहते हैं अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2। ये बेसिक दो प्रोविजंस हैं। अगर अक्यूज्ड ऑन ओथ आकर अपने चार्ज को डिनाई करना चाहेगा या डिफेंस विटनेसेस प्रोड्यूस करना चाहेगा ऑन ओथ, तो 342 के तहत करेगा। लेकिन अगर अक्यूज्ड ने डिफेंस विटनेसेस प्रोड्यूस नहीं करने और वो रिटर्न में ही स्टेटमेंट अपनी दे देता है, तो वो 342 के तहत देगा। इनमें बेसिक डिफरेंस यही है, ये ऑन ओथ होता है और ये विदाउट ओथ होता है। इसी तरह इसके सबसेक्शन 7 में प्रोवाइडेड है कि अगर अक्यूज्ड अपने डिफेंस में कुछ गवाह पेश करना चाहे, तो कोर्ट उनको समन करेगी। अगर 340 सबसेक्शन 2 का डिफेंस ले रहा है अक्यूज्ड और अपने डिफेंस में गवाहान प्रोड्यूस करना चाह रहा है, या गवाहान कोर्ट को कहता है कि आप समन करो, तो कोर्ट बाउंड है 265F7 के अंदर कि वो उन गवाहान का जो है वो समन ऑर्डर जारी करे और उनको तलब करे। और आगे 265G में, इसमें क्या समिंग अप कि जब दोनों तरफ से जो है वो अपनी एविडेंस दोनों साइड्स कंप्लीट कर चुकी हैं, यानी प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान का बयान करा चुके हैं और डिफेंस उस पर जिरा कर चुकी है, इन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ कराया प्रोसिक्यूशन ने, डिफेंस ने उस पर क्रॉस कर लिया, तो इस सब के बाद 342 की स्टेटमेंट होगी, उसके भी बाद जो है वो केस समअप किया जाएगा पहले प्रोसिक्यूटर ने। ये प्रोवाइडेड है 265G में, पहले प्रोसिक्यूशन ने अपनी बहस करनी है, जिसको हम कहते हैं बहस अखीर, फाइनल आर्गूमेंट्स, आखिरी बहस, फाइनल आर्गूमेंट्स किए जाएंगे, पहले प्रोसिक्यूटर करेगा और उसके बाद डिफेंस उसका रिप्लाई देगा। लेकिन अगर अक्यूज्ड ने को प्ली ली है डिफेंस प्ली, तो पहले अक्यूज्ड साइड बहस करेगी, बाद में प्रोसिक्यूशन साइड बहस करेगी। तो ये था बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और मज़ीद आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाएंगे लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।